हमने दो प्रकार देख लिए, हम बात करेंगे इसमें समूह संचार की। ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक, हम ग्रुप कम्युनिकेशन को इसमें देखेंगे। देखिए ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है वह समझते हैं। वह संचार जो समूह में किया जाएगा, ठीक, कैसे? देखिए ये कुछ मैं ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आप ग्रुप के माध्यम समझिएगा बस। और ये एक लास्ट और बनाता हूँ, देखिए वैसे तो सब अलग अलग ही है, ठीक है। अब सोचिए इनका ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इन तीनों का ग्रुप बन सकता है, ठीक है, इन दो का ग्रुप बन सकता है, इन चार का ग्रुप बन सकता है, या फिर हम ऐसा ना बना करके इन सभी को एक ग्रुप में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया ग्रुप। अब यहाँ हो गया ग्रुप कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम सबसे संपर्क कर सकेगा। जैसे आजकल का ग्रुप कहाँ चलता है, आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, आपने चैट शुरू कर दिया, धमाधम लगे हुए हो, ठीक है। अब व्हाट्सएप में क्या होता है, एक एडमिन होता है, उसके बाद आप सभी एडमिन बन जाते हो, ठीक। अब यहाँ क्या हुआ, मान लो ये नेता है, ये जरूर छोड़िए, ये भी सभी नेता हो सकते हैं, तो सभी एडमिन बन गए। तो एक ग्रुप कम्युनिकेशन जहाँ पर विचारों का जो आदान प्रदान होगा वो ग्रुप में होगा। अब देखिए किस लिए बनता है, जब इंसान की आवश्यकताएं होती हैं पूरा करने के लिए। अब सोचिए कि इंसान को अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है, ठीक। मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट का मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कोई भी एक इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को पढ़ा रहा है। अब बच्चों को पढ़ा रहा है, अब सोचिए कि वो एक एक बच्चे को पढ़ाए, करेक्ट है। एक इंस्टीट्यूट में अगर 10 बच्चों का 50 बच्चों का एडमिशन हो जाता है, सपोज कि 50 बच्चों का एडमिशन हो गया एक इंस्टीट्यूट में। अब ये 50 बच्चों को आपने एक साथ बिठा दिया, ठीक है, एक साथ ऐसा करके 50 बच्चों को बिठा दिया, ठीक है, डॉट डॉट मतलब एक ग्रुप बना दिया एक तरह से, और आप इनको पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक इंसान 50 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा है, ठीक है, यानी ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब यही अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए, 50 के 50 को अलग अलग शिक्षा दी जाए, अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो क्या संभव हो पाएगा कि टाइम कहाँ जल्दी लगेगा, यहाँ जल्दी होगा या वहाँ लगेगा? एक घंटे पढ़ाना तो यहाँ पर लग जाएंगे, ऐसे बिना ग्रुप के सोचो 50 घंटे लग जाएंगे, कि 50 घंटे आपको अलग अलग पढ़ाना होगा। और जब 50 घंटे पढ़ाओगे आप अलग अलग, लेकिन ग्रुप से क्या होगा कि आप कम समय में यानी कि एक घंटे में 50 बंदों को पढ़ा सकते हो। ये तो होता है ना, आप ग्रुप अपना व्हाट्सएप का ग्रुप सोचिए कि आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में क्या किया, आपने एक मैसेज डाला, सब जो ग्रुप में इंसान है सबके पास पहुंच गया वो, ठीक। तो उसी मैसेज को अगर आप सबको अलग अलग इंडिविजुअली सेंड करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना, कॉपी पेस्ट करना होगा या फॉरवर्ड करना होगा, तो वो क्या होगा कि अलग अलग सबको फिर जाएगा और उसमें आपको टाइम लगेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए आप क्या करते हो कि सबको एक साथ भेज देते हो। जैसे कि आप मान लीजिए ईमेल किसी को भेजते हो, तो ईमेल में अगर आपको सबको अलग अलग ईमेल भेजनी है, मान लो 5 बंदों को ईमेल भेजनी है, तो आपको 5 टाइम वो ईमेल रेडी करनी पड़ेगी। उससे बेटर आप क्या करते हो कि वहीं पे एक ही उसमें सभी का ईमेल आईडी फीड कर देते हो आप, और जब सबका ईमेल आईडी फीड करोगे तो वो ईमेल आप सबको भेज दोगे। तो क्या हो गया, ये ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक। इससे आप कैसे आगे बढ़ सकते हो वो मैं आप समझाता हूँ, इसकी विशेषताएं क्या होंगी, आप कैसे इसको समझ सकते हो। और ग्रुप कम्युनिकेशन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 50 बंदों का 60 बंदों का ऐसा ग्रुप बनाया जाए, जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति मौजूद होंगे आप उसको ग्रुप कम्युनिकेशन में डाल सकते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन में उसको आप कंसिडर कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, विचारों का आदान प्रदान आप कर पाओगे। ठीक, इसको आप समझते हैं आगे। अब देखो ग्रुप कम्युनिकेशन में, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसे कवि सम्मेलन आप लोगों को सुना होगा, सबसे बड़ा तो नेताओं के भाषण, वहाँ तो ऐसे भीड़ जुट जाती है बहुत बड़ी। ठीक है, तो सब भी क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन ही है आपके लिए। अब इसकी विशेषता क्या है उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, विशेषता समझ लेते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन में विशेषताएं भी, जैसे मैंने अभी इससे पहले समझाया, ठीक है, उसी प्रकार से मैं विशेषता को समझेंगे और उसके इम्पोर्टेंस जानेंगे, भाई विशेषता किस प्रकार से चलती है। और जब भी मैं विशेषता बताऊं तो आप लोग नींद से जाग जाया करो, पता लगा विशेषता इसकी इम्पोर्टेंट होती है, वो आपने निकाल दी तो आपका काम खराब हो सकता है। पहली विशेषता इसकी क्या है, देखिए जो परिपक्व होगा यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो परिपक्व होगा उसकी, उनकी जो संख्या होगी वो निश्चित होगी। अब निश्चित कैसे होगी, समझिए आपने कोई ग्रुप बनाया, आजकल सबसे अच्छा जो ग्रुप बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, या तो फेसबुक पे बन जाते हैं आपके, या व्हाट्सएप पे बन जाते हैं। ठीक, अब ये दो जगह आप ग्रुप बनाते हो, वहाँ पर क्या होता है, आप क्या करते हो, फ्रेंड को आप ऐड करते हो, अब वो फ्रेंड कोई भी होते हैं, 10 भी आप कर सकते हो तो संख्या निश्चित हो गई। ठीक है, या फिर आप 12 भी कर सकते हो, संख्या निश्चित हो गई। तो जो भी आप संख्या चाहो उस ग्रुप में ऐड कर सकते हो। अब सोचो कि आप कहेंगे भाई संख्या निश्चित कैसे हो सकती है, क्यों नहीं होगी, जो परिपक्व है और जो संचारक है आपका, ठीक है, संचारक जब कम्युनिकेट कर रहे हो आप, तो क्या संचारक अकेला ही ग्रुप बना सकता है, कभी ऐसा हो सकता है, नहीं, अकेला इंसान कैसे ग्रुप बनाएगा, ग्रुप तो कई इंसानों के मिलने से बनेगा, और जो कई इंसान मिलेंगे हमेशा उनकी काउंटिंग हो सकती है। अब ऐसा तो नहीं है भाई हम बोल दें कि भाई एक नेता बोलने आया और उसके लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई, माना लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन क्या उनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, काउंटिंग तो कर सकते हैं ना, हालांकि लाखों को गिनने में टाइम लगेगा, लेकिन काउंटिंग संभव है, जो गणना होगी वो संभव है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर संख्या निश्चित होती है। ठीक, अब निश्चित संख्या में क्या होगा, इच्छा और विचारों का आदान प्रदान होगा, कैसे, कि जो ग्रुप में व्यक्ति होंगे, ठीक है, जो व्यक्ति ये बन गए ग्रुप में, अब ये क्या होंगे व्यक्ति, ये अपनी इच्छाओं का आदान प्रदान करेंगे, कैसे होगा, मान लीजिए एक ये हो गया इनका लीडर, ठीक है, ये लीडर का मैंने किताब दे दिया, इसको एल लिख दिया, अब ये क्या होगा, ये बता रहा है सब कुछ ग्रुप में, ठीक, अब ग्रुप में खड़ा होकर समझा रहा है कि भाई ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, हम ये करेंगे, हम वो कर देंगे, हम आलू लगाने की फैक्ट्री लगा देंगे, आलू बनाने की, वो तो पप्पू के काम है, उसको हटा दो, ठीक है, वो मुझे जोक पार्ट ऑफ जोक था। ठीक, तो कुछ भी आपने अपने विचार व्यक्त किए ग्रुप के अंदर, अब वहाँ क्या होगा, या तो आपको सारे सुनने वाले होंगे, लेकिन साथ में ही आपको वहाँ पर कुछ नई चीज़ें भी मिलेंगी, क्यों, क्योंकि आपके ग्रुप में अगर 10 लोग हैं, मैं 10 लोगों का एग्जाम्पल देता हूँ, 10 या 12 का जो मर्जी आप एग्जाम्पल लेना चाहो कंसिडर कर सकते हो, वो लोग हैं, तो यानी कि आपके पास में 10 नई सोच वाले व्यक्ति मौजूद हैं। अब जब आप अपने विचारों को वहाँ रखोगे तो वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, तुरंत देंगे। अब आप कभी कभी होता है ना, यहाँ पर देखो समय निश्चित नहीं हो रहा है एक प्रकार से, जैसे मैंने इससे पहले वाले में बताया था कि आप आंखों के सामने बैठे हो तो आपको तुरंत फीडबैक मिलता है। अब यहाँ आप क्या कर सकते हो, आपने मान लीजिए ग्रुप में बात की, ठीक, अब कुछ लोग आपके विचार से तभी सहमत हो गए, उन्होंने तभी फीडबैक आपको दे दिया कि नहीं सर आपकी ये चीज़ें चेंजेस करने वाली हैं, इनको चेंज कर दो। ठीक, कुछ बोलेंगे नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा कर दो, कुछ क्या बोलेंगे सर अच्छा है लेकिन सोच के बताता हूँ, ठीक है एक दिन दो दिन सोचेगा, कुछ बोलेंगे अरे नहीं सर अच्छा ही नहीं है। तो अलग अलग भावनाएँ, अलग अलग विचार आपको ग्रुप में देखने को मिलते हैं। तो ग्रुप की एक विशेषता होती है कि वहाँ पर आपके जो आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, परिवार होता है आपका, एक परिवार का एग्जांपल ले लो, परिवार को भी आप एक ग्रुप की तरह कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि बहुत से परिवार में देखो ये होता है कि भाई एक मुखिया होता है परिवार का, ठीक है,
और जो वो फैसले ले वो अंतिम हो जाता है। लेकिन क्या उस फैसले के ऊपर कभी सवाल जवाब नहीं होता? हालांकि उस टाइम नहीं होता, उस टाइम तो होता है मैं घर का मुखिया हूँ, अच्छा मूछों का ताव देगा वो और बोलेगा नहीं ये फैसला फाइनल है। अब उसमें क्या होगा, कंडीशन आ जाएगी कि जो उस घर में और रहने वाले, उस परिवार में रहने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में चलेगा ना, थॉट तो रहेगी कि नहीं ये ऐसा गलत कर रहे हैं मुखिया जी हमारे, चेंज होना चाहिए इस चीज़ को, ऐसा बदलाव लाओ, ये करो वो करो। आज नहीं बताएगा, 10 साल बाद बताएगा कि आपने उस समय वो फैसला लिया था बहुत गलत था, इस पर ऐसा होना चाहिए था, देखो आपकी वजह से हम भुगत रहे हैं। फिर वो ये भी होता है मुखिया कान पर थप्पड़ मार दे दो, बोलेगा बेवकूफ़ तभी क्यों नहीं बोला, सुधर जाती चीज़, कहेगा आपसे डर लगता था तब आप मारते, बोला मार तो अब भी पड़ी तुझे, मार तो अब भी पड़ी तुझे, तो ये भी डिपेंड करता है। ठीक, तो ग्रुप के फायदे भी और नुकसान भी है, वैसे फायदे ज़्यादा है। ठीक है, अब हम फायदे पर बात कर रहे हैं कि विशेषता इसकी क्या है। तो ये हो गया ग्रुप की बात, ग्रुप की पहली विशेषता ये थी। अगली विशेषता की तरफ चलते हैं, इसकी अगली जो विशेषता है वो भी इसी पर डिपेंड करेगी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान। देखिए ग्रुप में क्या होगा कि जो विचार होंगे भावनाएं होंगी उनका आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान। ठीक है, आदान प्रदान जब होगा तो क्या होगा, नए नए थॉट डेवलप होंगी, नए नए विचार आएंगे आपके सामने। अब 10 माइंड बैठे हैं एक साथ में और वो आपस में अपने अपने विचार दे रहे हैं। ठीक है, होता ना बड़े बड़े आपने इंटरव्यू भी देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि 4-5 बंदे आपके सामने बैठ जाएंगे, ठीक, और वो आपसे इंटरव्यू लेंगे, पूछेंगे ये बताओ वो बताओ, क्या हो गया कि कई सारे माइंड मिलके आपके माइंड से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो जहाँ जितने माइंड होंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें निकल के सामने आएंगी। और बहुत से लोग क्या करते हैं, होशियारी मार के बहुत कुछ बता देते हैं अपने माइंड में, ये भी है हम ये भी जानते हैं, जितने अपने रिज्यूमे में आप जितना चीज़ मेंशन करोगे क्वेश्चन भी उतने ज़्यादा बनेंगे, सिंपल है। ठीक, आप जो जो बताओगे क्वेश्चन भी तो वो बनेंगे ना आपके लिए, तो उसी प्रकार से ग्रुप भी है। ठीक है, अब मान लो कि हम देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10, या फिर ऐसा ना करके मैं काम करता हूँ 9, 10, 11, 12। अब देखिए ये ग्रुप मैं बना रहा हूँ एक तरह से, ये जो ग्रुप मैंने बनाया आपके लिए, अब इसमें देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो एक बंदा है इस बंदे की बात सब सुन रहे हैं। ठीक है, माना सब सुन रहे हैं, इसके जो थॉट है मान लीजिए 6 नंबर वाले को अच्छी लगी, ठीक, और 2 नंबर वाले को अच्छी नहीं लगी, इनने कहा भाई मेरे को तो अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो सब एक दूसरे के दिमाग से सबको कुछ ना कुछ नया जानने को मिल रहा है। इसने कहा 2 नंबर वाले ने कहा भाई आप इस चीज़ में थोड़ा सा और चेंज कर लो, तो 6 ने कहा हाँ ये बात भी सही है। अब 6 के पास क्या हो गया, अपने थॉट के साथ में 2 थॉट और जुड़ गए। ठीक है, और जो 1 नंबर वाला है उसके साथ में भी इनका और इनका विचार जो है वो जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो विचार हैं जो भावनाएं हैं उनका आदान प्रदान हुआ। आपको थोड़ा सा आपकी भाषा में समझाता हूँ एक और तरीके से। देखिए हमारे यूथ है आजकल, ग्रुप बनता है। ठीक है, अब ग्रुप में आपने देखा होगा फेसबुक होता है, व्हाट्सअप होता है, ग्रुप हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे सब बातचीत कर रहे हैं, लड़का भी होता है लड़की भी होती है। आपने कोई मैसेज अच्छा किसी का रिप्लाई कर दिया ये है वो है, तो वहाँ पे क्या होता है कि भावनाओं से पता लग जाता है कौन किसी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक, ग्रुप में क्या होता है, आप कोई लड़की है या लड़का है, आप उसको बोलते हो बातचीत करते हो, तो दूसरा आपका जो फ्रेंड होगा उधर वो क्या बोलेगा, अरे यार वो तेरे को पसंद करता है या करती है। कैसे पता लगा, भावनाओं से, उसके आंसर देने के रिप्लाई, ठीक, जो आप वो रिप्लाई कर रहा है उसकी जो भावना होगी उससे पता लगा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो उनके विचार हुए और जो भावनाएं हुए उनका जो आदान प्रदान हुआ आपस में। ठीक है, ग्रुप में किसी लड़के को कोई कुछ बोल रहा है तो लड़की ने बोला यार ऐसा मत बोलो, इसको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वो क्या बोलेगा, अरे यार तेरे को पसंद करती है क्या, या फिर यही कंडीशन लड़की की तरफ हो सकती है कि लड़का लड़की के लड़का बोले कि यार ऐसा मत बोलो उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या बोलेगा कि यार लगता है भाई तेरे को पसंद करती है लड़की है। तो ये कंडीशन होती है। अब क्या उसने क्लियरली बोला तो नहीं कि भाई मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ, लेकिन क्या हुआ कि जो भावनाओं का आदान प्रदान हुआ, विचारों का जो आदान प्रदान हुआ, उससे ये चीज़ डेवलप हुई ग्रुप के अंदर। ठीक, अब इसमें क्या होता है ना, बहुत से रिश्ते जुड़ जाते हैं ऐसे ही कर करके धीरे धीरे, तो वो ग्रुप ही होता है जोड़ने वाला,
एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से कि नहीं वो उसको पसंद करता है, वो उसके लिए अच्छा है, ये अच्छा है, बताते हैं आपस में दूसरे को। ठीक, तो ग्रुप की ये महत्वपूर्ण जो सेकंड विशेषता थी ये थी। ठीक है, अब इसका हम डिस्कस करते हैं थर्ड विशेषता इसकी क्या है। तीसरी विशेषता में हम इसी को ही एक बार तरह से इंटरलिंक करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं निकटता होना। कैसे? देखिए जो संचारक होगा, ठीक है, और जो प्रपक होगा, ग्रुप के माध्यम से इनके बीच में निकटता आएगी। कैसे आएगी? अभी अभी जो मैंने आपको बताया कि ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप है और ग्रुप में ये कुछ बंदे यहाँ बैठे हैं। अब कोई व्यक्ति किसी को कुछ बताना चाह रहा है, ठीक, किसे बात करना चाह रहा है, अपनी भावना को व्यक्त करना चाह रहा है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, उसका सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा। भाई होते हैं ना कुछ शाही एकदम सॉफ्ट दिल के, अरे यार रहने दे, क्या बोलूँ यार, बुरा मान जाएगा या बुरा मान जाएगी, है ना, या फिर कॉलेज में होते हैं प्रोफेसर के लिए सर को गुस्सा आ गया तो मैं ऐसा बोलूँ यार, हिम्मत नहीं होती सर से कुछ पूछने की। तो जो आपका साथी होगा ग्रुप का, वो क्या बोलेगा, रुक जा तेरे लिए मैं बात कर लेता हूँ कि सर इसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। हालांकि इस पर उसको डांट पड़ सकती है कि वो क्यों नहीं बोल रहा, वो भी तो बोले, उसके मुंह में क्या दही जमी हुई है। ठीक है, तो ऐसी भावनाएं आ सकती है, लेकिन ग्रुप के माध्यम से आप कम्युनिकेट तो हुए एक प्रकार से, किससे, प्रोफेसर हालांकि आपको डांट रहा है कि भाई ये बात तुम खुद क्यों नहीं बोल रहे, अपनी जो भोलापन उसको तोड़ो, समाज में बाहर निकलो, ठीक है, खुद पूछो जो भी पूछना है। आप पहले नहीं पूछ पा रहे, लेकिन टीचर कैसे बोलने से आपके अंदर हिम्मत आई और आपने उससे क्वेश्चन किया, ठीक है, और उन्होंने उसका रिप्लाई भी किया, तो अगली बार आपको सहूलियत हो जाएगी कि भाई टीचर अच्छे हैं, मैं बात करूंगा तो कोई बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, तो इससे क्या क्या हुआ, ग्रुप ने आपका सहयोग किया, यानी कि ग्रुप से एक निकटता मिली आपको। किस चीज़ की निकटता, एक हिम्मत वाली निकटता कह लो इसको, या फिर कम्युनिकेट करने की निकटता हो गई। ठीक, ग्रुप ही तो करता है एक दूसरे को करीब लाने का काम, कि चलो ये इसके करीब हो जाए, वो उसके करीब हो जाए, तो ये सेम वही है। ठीक, ये इसकी तीसरी विशेषता हो गई ग्रुप कम्युनिकेशन की। अब इसकी चौथी विशेषता क्या, उसको देखते हैं, यहाँ पे आएगा समस्याओं का समाधान। जब आप समस्याओं के समाधान की बात करेंगे तब ग्रुप एक बहुत अच्छा रोल अदा करता है। कैसे? देखिए, आपको कोई समस्या है और समस्या को लेकर के आप कभी बैठ के सोच रहे हो, कभी लेट के सोच रहे हो, कभी खाते हुए सोच रहे हो, कभी पीते हुए सोच रहे हो, कभी कभी तो आप खाना ही नहीं खाते और खाना नहीं खाते, यार खाना नहीं खा पा रहा, नींद नहीं आ पा रही, क्यों यार, माइंड बहुत टेंशन में है, क्या करूँ, कैसे समझाऊँ, कैसे बात करूँ, ठीक, या फिर यार इसका आंसर क्या होगा, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उससे पूछ लूँ क्या, इससे पूछ लूँ क्या, तब आप क्या करोगे, आपके माइंड में चीज़ चलती रहेगी। लेकिन जब आप ग्रुप में रहोगे, ठीक है, और ग्रुप में आपने एक चीज़ डाल दी, होगा ना आजकल फेसबुक पर लोग डाल देते हैं, कोई ये जानता है तो बताए, फेसबुक क्या है, ग्रुप ही तो है, आप वहाँ पे स्टेटस पर लिख दोगे कि भाई कोई चीज़ जानता है तो मेरे को बताए इसके बारे में, 36 लोग आपको कमेंट करते हैं, अरे ये तो ऐसे है, ये तो वो है, भेज देंगे उसको उठा करके, तो आपको क्या आंसर मिलेंगे, यानी कि आपको सपोर्ट मिल गया एक प्रकार से, और सपोर्ट के माध्यम से आपने क्या किया, अपनी समस्याओं का समाधान, यानी कि जो विचार विमर्श हुआ वहाँ पर, ठीक है, उससे आपकी समस्याओं का समाधान हुआ। तो यहाँ पर विचार विमर्श की जो भावनाएं हैं ग्रुप में वो आ जाती हैं। मान लीजिए आपने कोई चीज़ डाली ग्रुप में कि ये तो ऐसे है, ठीक, लेकिन आपको भी नहीं पता कि शायद वो आपका ज्ञान अधूरा है, ठीक है, शायद, और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसी पे कमेंट किया कि ये ऐसे नहीं, इसमें ऐसे होगा, ठीक है, तीसरे व्यक्ति ने फिर कमेंट किया, हाँ इन्होंने जो बोला वो सही बोला है। अब देखिए यहाँ पे क्या तर्क भी आपको मिला और आपको कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा ऐसे होगा, ठीक है, और दो चार लोगों ने और बोला कि हाँ ऐसे ही होगा जैसे ये बोल रहे हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ग्रुप के माध्यम से, क्यों, क्योंकि आपने ग्रुप में वो चीज़ पूछी है, आपके पास में कई और आंसर से वो सर्टिफाई हो गया, सर्टिफाई आपने कर लिया कि हाँ भाई ये पूर्ण रूप से सत्य है। तब आप क्या करोगे, जिसके सामने भी आपको उसको प्रेजेंट करना है, दिखाना है, समझाना है, आप उसको ले जाओ दिखाओगे, कहोगे भाई देखो ये चीज़ सही है बिल्कुल,
क्यों? क्योंकि ये कई लोगों ने साबित कर दिया है, और जब कई लोग इसको साबित कर देंगे उसके बाद क्या होगा कि आप समाधान तक पहुंच जाओगे। ये समाधान आपको कैसे मिला? ग्रुप में विचार विमर्श करने के बाद प्राप्त हुआ आपको। ठीक, तो इसकी चौथी विशेषता क्या हो गई आपकी? समस्याओं का समाधान विचार विमर्श के माध्यम से होता है ग्रुप में। ठीक, पांचवी समस्या, पांचवा जो विशेषता है इसकी वो देखते हैं। जो संचारक होगा यहां पर, यहां जो संचारक होगा वो चेतना विकसित करेगा ग्रुप में। कैसे करेगा? ग्रुप है, और ग्रुप में बताता हूँ कि 10 व्यक्तियों का एक ग्रुप है। ठीक है, अभी 10 व्यक्ति हो गए अलग 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 अलग, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, चार, पाँच, छः, सात, और कुछ भी ले लो, आठ यहाँ रख दो, नौ यहाँ रख दो, और दसवा, ये भी दसवा तो ये है ही, दसवा ऐसे कर लो। ठीक है, ये 10 व्यक्ति हो गए। अब जो 10 व्यक्ति हैं क्या वो एक ही मन एक ही स्वभाव के होंगे? ये संभव नहीं है कि वो एक ही मन और एक ही स्वभाव के होंगे। तो उसमें क्या होगा, कुछ लोग होंगे इसमें चंचल स्वभाव वाले, ठीक है, कुछ होंगे सचेतक एकदम। जब एक व्यक्ति ने यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया डाली, ठीक है, डाल दिया भाई उठा करके कि भाई ये लो ऐसा करना है, अब अगला व्यक्ति क्या करेगा ये डालने के बाद में? सोचेगा अच्छा भाई डाल दिया, कुछ व्यक्ति तो आलस में, अरे यार छोड़ना, क्या रिप्लाई करे। अब ये देखो, ये बात एक तरह से जो रिप्लाई वाली हो गई ना, ये हो गई व्हाट्सअप फेसबुक ऐसे ग्रुप वाली। हालांकि ये चीज़ें सामने फेस टू फेस बैठे हो तभी भी होता है। कैसे? 10 बंदों का ग्रुप बैठा है सामने, होता है जैसे होता राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, वो क्या है एक प्रकार से, ये तो ना कि भाई एक ऐसे करके एक टेबल बना दिया, इसके चारों तरफ बंदे ऐसे ऐसे करके आपने बिठा दिए। ठीक है, ऐसे बंदे बिठा दिए, अभी जो बंदे बैठे हैं ये डिस्कस कर रहे हैं। अब कुछों का दिमाग तो वहाँ पे है ही नहीं, कुछ लगे हैं अरे यार आज सब्जी ले घर जाना वरना बीवी बहुत मारेगी। ठीक, कुछ बोल रहे हैं अबे यार बच्चे को घुमाने लेना, आइसक्रीम खिलानी है। ठीक है, कल छुट्टी है, कल क्या करना है, कुछ ऐसे सोच रहे होंगे। कुछ वहाँ बैठे बैठे सो रहे होंगे और पता भी नहीं लगेगा, होता है कुछ का, कुछ लोगों के साथ टैलेंट होता है, वो बैठे बैठे सो जाते हैं, सामने लोगों को पता नहीं लगता बंदा सो गया। ठीक, कुछ लोग होंगे जो बहुत ध्यानपूर्वक बात सुन रहे होंगे कि अच्छा ऐसे करना है, ओके ठीक है हम भी ट्राई करते हैं। तो ये होता है ग्रुप। ठीक, अब यहाँ क्या होगा कि चेतन विकसित, चेतन की बौद्धिक विकास भी होता है ग्रुप में। कैसे? आपने कोई एक चीज डाली, अब एक इंसान चीज को बोल रहा है, कह नहीं सकते कितना सही होगा, लेकिन जब दो चार लोगों ने और बोला उस चीज के ऊपर, ठीक है, और आप किसी पांच में छठा कोई बंदा होगा उसको उसके बारे में ज्ञान नहीं होगा, तो क्या करेगा, उनकी सोच करके उसके अंदर एक चीज डेवलप हो जाएगी कि अच्छा ये भी चीज थी। फिर वो ये भी हो सकता है, कुछ जो आलसी लोग हैं उनको तो कुछ कह नहीं सकते, वो तो बेकार है। ठीक है, लेकिन जो सचेतक लोग हैं वो उसके ऊपर और ज्ञान डेवलप करेंगे, और चीज़ों को निकालेंगे बाहर, उसको और खुदाई करेंगे उसमें से, जब चीज़ों को बाहर निकालेंगे तो एक आविष्कारक के रूप में प्रकट होगी वो चीज़। ठीक है, तो ये होता है एक ग्रुप का फायदा। आपने कभी देखा है ना, जैसे कि गवर्नमेंट भी होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कमेटी बनाती है। अब कमेटी में क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा बासवान कमेटी हो गई, ठीक, और भी विभिन्न प्रकार की कमेटी है, मैं ज़्यादा नाम भी नहीं ले रहा, छोड़ो परे, कोई काम किया है नहीं हमारे यहाँ पर, पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नाम ले लिया। तो जो कमेटी हो गई, अब उस कमेटी में नाम तो एक का आया जो कमेटी का हेड हो गया, लेकिन क्या वो अकेला काम कर रहा था उस कमेटी के अंदर? भाई काम तो और भी लोग कर रहे थे ना, तो जो लोग काम कर रहे थे उनकी सोच और समझ की वजह से, उनका जो बौद्धिक ज्ञान बढ़ा उसकी वजह से वो जो रिपोर्ट बनाना चाह रहे वो बनी, और उस रिपोर्ट से क्या हुआ, लोगों का भला भी होगा। अब कुछ लोगों को तो रिपोर्ट पसंद आएगी, बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है भाई, और कुछ लोग क्या कहेंगे, अब क्या रिपोर्ट बनाई यार, बकवास आदमी है, ये पॉइंट उसमें डालना ही नहीं था। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि समय समय के साथ में रिपोर्ट भी चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि जैसे समय की गति आगे बढ़ती रहती है, आपकी ज़रूरतें उसी हिसाब से बदलती रहती हैं, और जब आपकी ज़रूरतें बदलती हैं तब आपको चेंजेस लाने पड़ते हैं, और जब चेंजेस लाओगे तो सीधी बात है भैया रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट बनेगी तो कमेटी बैठेगी, कमेटी बैठेगी उसका मतलब ग्रुप है, और ग्रुप है तो क्या, ग्रुप डिस्कशन है। ठीक, तो एक प्रोसेस जुड़ा हुआ है। अब इसमें हम समझते हैं अगला, छठी इसकी विशेषता क्या, उसको समझते हैं। छठी विशेषता में हम कह सकते हैं समय समय पर फीडबैक,
देखिए कैसे, जो ग्रुप आपका हो गया उसमें आपने 10 ऐसे बंदे बैठा दिए, ये बंदे बैठ गए भाई, ठीक है। हालांकि घड़ी का था डीएल बन गया, सो घड़ी कंसीडर मत करना, ये घड़ी सोचा आप सर घड़ी क्यों बना रहे हैं, ठीक है। ये मैं ग्रुप में बंदे बिठा रहा हूँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरह समझ लो इसको, ग्रुप है आपका। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था आपने कुछ चीज़ बोली, ठीक है, ग्रुप में। सेम समझ लो, अगर आज की जनरेशन में समझ जाते हो तो व्हाट्सअप समझ लो, बहुत अच्छा होता है व्हाट्सअप पर। तो ग्रुप जिसके मोबाइल में व्हाट्सअप है उसके मोबाइल में ग्रुप होगा ही होगा, ठीक है। क्या वो ग्रुप एक हो दो हो, और बहुत से बंदे क्या होते हैं, हल्का सा किसी को कुछ मजाक में बोल दिया ग्रुप एग्जिट मार देते हैं, हट हम रुकते ही नहीं इस ग्रुप में। बहुत से बंदों ग्रुप से नफरत हो जाती है, ठीक है, तो ग्रुप से बाहर निकल जाते हैं। अब जब ग्रुप से बाहर निकला तो ग्रुप के अंदर क्या बात चल रही उसे क्या पता लगेगा, ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब आपको एक तरह से फीडबैक है। मान लो आप ग्रुप में कुछ बता रहे हो, ठीक है, जो आप बात कर रहे हो वो एक या दो व्यक्ति को अच्छी ना लगे, उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, चेंज करो यार। क्या हो रहा है, अलग अलग फीडबैक मिल रहा है आपको बातों के ऊपर, कुछों को अच्छी लग रही है वो फीडबैक दे रहे हैं आपको कि भाई ऐसा होना चाहिए। अब जो ग्रुप आपका बना हुआ उसमें सभी के सभी उसी वक्त तो फीडबैक आपको नहीं दे रहे ना, फीडबैक में क्या समय भी लगता है कभी कभी, यानी कि समय समय पर, एक फैक्चुअल टाइम नहीं है। क्या पता किसी ने वो मैसेज पढ़ भी लिया हो आपका, लेकिन आपको समय पर बताया ना हो, आपने बोला जल्दी बता दो बहुत इमरजेंसी है, उसने बंदे ने अपना इंटरनेट ही खोला 4 दिन के बाद जा करके, तो आपकी तो जल्दी की तो वाट लग गई। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग उसमें होंगे जो तुरंत बैठे, अरे यार ये ले ये इसका है, ऐसे करना है, ये करना है, उसको ऐसे बोल दो, तुरंत फीडबैक आएगा। कहीं पे ग्रुप में कुछ सदस्यों ने तुरंत फीडबैक दिया और कुछ सदस्यों ने बाद में फीडबैक आपको दिया, तो वहाँ पे क्या समय समय पर आपको फीडबैक मिला, और फीडबैक कितना कारगर साबित है। और देखो फीडबैक का ऐसा नहीं है कि वो लिखित में फीडबैक दें, कुछ लोगों जैसे मैं बता रहा था बात अच्छी नहीं लगती वो क्या करते हैं ग्रुप से एग्जिट मार जाएंगे, वो भी एक फीडबैक है भाई आपके लिए। कैसे फीडबैक हुआ, पता लग गया आपको बात ही अच्छी नहीं लगी, भावनात्मक फीडबैक भी है आपके लिए, उसमें ग्रुप में भी भावनात्मक फीडबैक जुड़ा हुआ है। और कुछ बोलेंगे अच्छा ग्रुप में बात चल रही है यार हमको भी ऐड कर लो, बोलते ना हमको भी ऐड करो, वो भी एक भावनात्मक फीडबैक है। हालांकि उसके बाद पता लगेगा इसको आपकी बात अच्छी लग रही है नहीं लग रही, ये कितना चाहता है ग्रुप में रहना कितना नहीं चाहता, वो एक बात पता लगेगा, ठीक। और सेम आप अगर व्हाट्सएप से बाहर निकल के आओ रियल जिंदगी में, तो वो फीड वो आपको ग्रुप देखना सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, कॉलेजों में ग्रुप मिलते हैं, इंस्टीट्यूट में ग्रुप मिलते हैं, सबसे ज़्यादा तो राजनीति में ग्रुप मिलते हैं, ठीक है। हर किसी को बात समझ में नहीं आती राजनीति में भी, बहुत से चावल ऐसे भी हैं, सॉरी मैं चावल बोल दिया, बहुत से इंसान ऐसे भी हैं जिनको बात समझ में नहीं आती लेकिन वो नेता हैं, ठीक है। और नेता होने के साथ में वो महान नेता कहलाते हैं कि बहुत सीनियर नेता है, लेकिन उनको पता ही नहीं वो कुछ भी फैसला कभी भी ले डालते हैं कि फैसला ले लिया, और उससे कितनी तकलीफ इंसान को हो रही है कुछ पता नहीं उसके बारे में उसको, ठीक है। तो ये क्या है कि एक फीडबैक है, समय समय पर फीडबैक मिलेगा आपको ग्रुप के माध्यम से। या जो संचारक आपका होगा, ठीक, जो संचारक है और जो आपका प्रपक है, ठीक है, इन दोनों में कोई टाइम की लिमिट नहीं रहती या फिर कोई व्यक्ति निश्चित नहीं होता। अगर आप एक बात सोचो कि ग्रुप के अंदर आप किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हो तो बाकी ग्रुप मेंबर क्या बोलेंगे, भाई ऐसा है ग्रुप से बाहर होकर बात कर लो, क्यों हमें भी डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग। जब आप पर्टिकुलर एक व्यक्ति से बात कर रहे हो तो आप पर्सनली बात करो ना यार, क्यों यहाँ गाँव में चाह रखा है ग्रुप में आपने। ये दोनों तरफ से बात है, ये ऑनलाइन ग्रुप जो होता है आपके मल्टी मीडिया पर चलता है ना, सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप फेसबुक उसमें भी चलता है ये, और ये बाहर भी। आप मान लो आप 10 बंदे ग्रुप में बाहर बैठे हो टेबल लगा करके, और उसमें आप किसी एक बंदे से विशेष तौर पर बात कर रहे हो, तो बाकी बंदे क्या बोलेंगे आपको कि भाई ये क्या मजाक है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हमें कोई पूछ नहीं रहे हो, आप इन्हीं से बात करना तो आप अलग से बात कर लेते इनसे, ठीक है। तो उस प्रकार से होगा कि यहाँ पर संचारक और जो प्रपक होगा उसका एक साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा, सबका कम्युनिकेशन होगा एक साथ में, ठीक। तो उससे फीडबैक मिलेगा सबके कम्युनिकेशन द्वारा। अब इसमें हम अगली विशेषता इसकी पढ़ते हैं, समझते हैं, सातवीं और आखिरी विशेषता इसकी को देख लेते हैं। देखिए इसकी सातवीं विशेषता क्या है कि समस्या जो होंगी उसके अनुरूप, ठीक है, उसका समाधान यानी संदेश जो है वो संप्रेषित किया जाएगा, ठीक है। समस्या के अनुरूप, ठीक।
देखिए आप ग्रुप को हम लेके चलते हैं, जो ग्रुप हो गया उसमें वही मैं बताता इतने सारे ऐसे बंदे बैठे हैं, ये अंधे यार बाहर बैठा लो अंदर बैठा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे है, अब इसमें संचारक होता है। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि संचारक यही एक बंदा हो, मान लीजिए हम इसको बोलते हैं भाई ये संचारक बन गया, क्यों ज़रूरी थोड़ी है, ये भी हो सकता है संचारक, ये भी हो सकता है। जहाँ ग्रुप है वहाँ संचारक कोई भी हो सकता है, मतलब जिसकी जैसी समस्या उसका वैसा समाधान, आपने थॉट सुना होगा, ठीक है। तो उसी प्रोसेस पे काम करता है ग्रुप कि अगर जहाँ पर कोई समस्या है, आपने समस्या डाली कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है। जैसे कि आप मेरे को बोलेंगे कि सर संचार कम्युनिकेशन समझ में नहीं आ रहा, ठीक। अब मान लो मैं अकेला आपको बताता हूँ, ठीक है, लेकिन जब सारे लोग बताएंगे, अलग अलग थॉट बताएंगे, अलग तरीके बताएंगे, बहुत सारे एग्जांपल होंगे, तो समस्या होगी उसके अनुरूप ही आपका समाधान निकालेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने बोला कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही और समाधान में बता दूँ किसी और का, आप बोल रहे हो मेरे को सर कम्युनिकेशन समझ में नहीं आ रहा, अच्छा मैं आपको जाकर फिलोसफी पढ़ा लूँगा सर चारवाक दर्शन क्या है बौद्ध दर्शन क्या है, मैं सब पढ़ाने लगूँ आपको, तो आप क्या बोलोगे, अरे बहुत ही बेवकूफ़ आदमी यार, जो चीज़ बता रहे हैं वो बताए ना जब पूछ रहे हैं, ठीक है। तो संचार के माध्यम से, और कौन संचार, आप समूह संचार के माध्यम से समस्या के अनुरूप ही समाधान उसमें होता है। जब समाधान समस्या के अनुरूप होगा तो वो स्पष्ट भी होगा। अब देखिए यही चीज़ आप आज के जो समय चल रहा है उसमें लेकर देखते हैं, हम कि हमने मान लीजिए एक समूह बना लिया, व्हाट्सएप फेसबुक बना लेते हैं, तो उस समूह के अनुसार ही आप उसमें कमेंट्स करते हैं, ठीक है, और वहाँ बताते हैं कि भाई आपकी समस्या है, तो वो लोग आपको समस्या सुलझाने में मदद करते हैं कि ऐसा नहीं सर ऐसे ये नहीं वो यार ये नहीं ऐसे कर लो, ठीक है। तो क्या ग्रुप बनाया जब आपने तो उस ग्रुप के माध्यम से एक नहीं अनेक इन सब ने मिलकर के आपको समस्या का समाधान निकालने में आपकी मदद की, और आपने समस्या का सही समाधान भी मिल गया आपको, और इसको बोलते हैं हम क्या, समस्या का समाधान का सातवीं विशेषता क्या है, मतलब ग्रुप कम्युनिकेशन की विशेषता सातवीं क्या थी, इसमें था समस्या के अनुरूप समाधान निकालना, ठीक। अब समस्या के अनुरूप में जो ग्रुप है आपका वो ये भी समझ सकता है कि भाई कैसा है, करेक्ट है ना, समस्या कुछ होते हैं भाई, ऐसा नहीं कि हर बंदा वहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त आपको करेगा आपके लिए, कुछ आपको अच्छा समझते हैं कि अरे यार अच्छा इंसान है बताना चाहिए हर किसी का हेल्प करता है, कुछ बोलेंगे अरे यार छोड़ना अपने पास टाइम नहीं अपनी समस्या इतनी है तो इसको क्या हेल्प करें, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि नहीं यार कल को बता देंगे चल आज छोड़ो, पहले हम भी कुछ बोलते हैं यार हमें भी ढूंढना है हमें भी यही समस्या है, तो अलग अलग समस्या है लेकिन उस पर डिस्कस होता है उसी ग्रुप में होता है, ठीक। चलिए इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे, इसका अगला टॉपिक आता है यहाँ पर, ये समूह संचार जो आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, अब इसके बाद अगला टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है।